Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So in this channel we talk about tarot and topics related to tarot, and the thing is, you know, I've been receiving feedback that I'm not making videos in English, and I just want to tell you that I'm gonna try and make the videos with both English and Hindi together. I thought my audience was mostly from India. So now, since like there are other people also who are watching this, so I'm gonna make videos, or I'm going to incorporate English in my videos also. So I'm gonna speak about both English and Hindi in the video. So is tarot की वीडियो में आपका स्वागत है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैं उपयोग करूँ, क्योंकि ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ अंग्रेज़ी समझती है और ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ हिंदी में चाहते हैं वीडियोस। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं दोनों के बारे में बात कर सकूँ। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस लाइक करी, पसंद करी और अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। जस्ट कीप डूइंग दैट, यू नो, इट इंस्पायर्स मी, इट हेल्प्स मी टू डू दैट। थैंक यू सो मच। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी स्पेशल कार्ड, द बेस्ट, और यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ द टैरो, द मेजर अरकाना कार्ड कॉल्ड द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम कार्ड ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं, देर आर फ्यू कीवर्ड्स विच पॉप आउट, एंड दोज कीवर्ड्स आर कंप्लीशन, बैलेंस, विक्ट्री, सक्सेस, ब्लेसिंग, एनलाइटनमेंट। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बाहर जब आप कार्ड को देखते हैं तो दे पॉप आउट। मैं पॉप आउट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब भी मैं टैरोस देखता हूँ तो मेरा इंटरप्रिटेशन का तरीका यही है कि आई सिट इन मेडिटेशन व्हेन आई डू दैट, व्हेन आई ट्राइंग टू, यू नो, गेट द मीनिंग आउट ऑफ द कार्ड। मैं बुक से ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं उस कार्ड के साथ बैठूं और देखूं कि वो कार्ड मुझसे क्या कहना चाह रहा है। एंड येस, ऑफकोर्स, जो आपने सीखा है अपनी लाइफ में वो सारा कुछ उसका एक पार्ट बन जाते हैं, एंड इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। और फिर आपको जितना आप मेडिटेशन में गहरे जाएंगे, आपको पता चलता है कि यू नो ऑल दिस कैन हेल्प यू इन लर्निंग मोर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट लाइफ एंड अबाउट टैरो। एनीवेज, तो द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, इसके अगर हम नंबर देखेंगे तो वो बनता है 21। टू और वन को अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसमें दो मेजर अरकाना कार्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, the card of high priestess or the magician। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो the world card को कहीं ना कहीं सिग्निफाई किया जाता है, which is a combination of male and female energies, black and white, yin and yang। और इस कार्ड को मैं chariot major arcana के साथ जोड़ना चाहूँगा। chariot मेरे देखे जो कार्ड है वो एक spiritual journey कि आपकी यात्रा शुरू हो रही है उसके अंदर। मैं एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूँ, तो उसके अंदर जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है वो यात्रा सक्सीड हो रही है द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड पे। चैरियट से आपकी इनिशिएशन हुई, चैरियट से आपने जो है उस इस लाइफ में एंटर करा, इस स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करा, और वर्ल्ड में जाके वो कंप्लीट हुआ। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द वर्ल्ड द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड कंप्लीशन। जो इस कार्ड का एलिमेंट है वो है अर्थ, और अगर आप देखेंगे तो इट्स ऑल वेरी एबंडेंट ग्रीन, एवरीथिंग इज एबल। अर्थ जो है वो हमारी माँ है, और जब हम एक अच्छी अवेयरनेस के लेवल पर जब पहुँचते हैं तो हम अर्थ से कम्पीट नहीं करते, अर्थ के साथ एक हो जाते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स के साथ एक हो जाते हैं। फिर वो चाहे एक छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो, या फिर एक बारिश की बूंद हो, या कुछ भी हो जो आपके आसपास है, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट।
यू बिकम पार्ट ऑफ दैट एग्जिस्टेंस, दैट इज हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए मेरे देखे ये जो है ये ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड है। अब थोड़ा बात करेंगे कार्ड के सिंबोलिज्म के अंदर जाएंगे। जो हम वुमन को देखते हैं, ये वुमन सिंबलाइज करती है बैलेंस को और एवोल्यूशन को। और अगेन मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, यहाँ पे जो है कार्ड में एक कंप्लीशन को, एक एक पॉजिटिव नोट को जो है अगेन इस वुमन के साथ दिखाया गया। सो इट्स ऑलवेज एन एक्सप्रेशन ऑफ वुमन। हम हमेशा वुमन को देखते हैं कि वुमन इज लाइक अ हायर, शी इज एट अ हायर पेडेस्टल। वुमन इज जो है इज मोर क्लोजर टू गॉड, भगवान के ज़्यादा करीब है। इट्स मच मोर ईजियर फॉर अ वुमन टू बिकम स्पिरिचुअल एज कम्पेयर टू मैन। इनफैक्ट जब हम बुद्धा की बात करें, बुद्धा कहते हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण स्त्री हूँ, जिसका अर्थ ये होता है कि बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वुमन अर्थ की क्वालिटीज़ हैं। मेरे देखे ये कार्ड जो है एक हंसता गाता कार्ड है, जिसके अंदर जो है ये वुमन खुश है, सेलिब्रेट कर रही है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक ब्यूटीफुल ऑल अराउंड। हम देखते हैं चार एलिमेंट्स जो कि चार आसपास हैं, एंड दीज आर फोर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऑल्सो। ये चार एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी हैं, एंड दीज साइंस आर स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एक्वेरियस। और ये वही सेम साइंस हैं जो कि आपको मिलेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में यही चारों साइन जो हैं अपनी बिगनिंग शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है कार्ड की कंप्लीशन हो रही है। तो कार्ड में हम देखते हैं कि एक यंग ब्यूटीफुल वुमन इज देयर इन द सेंटर, जो कि है बीच में, एंड शी इज लाइक सेलिब्रेटिंग लाइफ। दैट इज व्हाट द फर्स्ट थीम ऑफ द कार्ड विच कम्स आउट। और उसके हाथ में दो मैजिक वैंड्स हैं, और वांड जो है वो स्टैंड करता है लाइफ एनर्जीज के लिए। इस केस में लाइफ एनर्जीज भी हैं और बैलेंस भी एक तरह का क्रिएट हो रहा है। तो जब आप इस कार्ड को देखते हैं, द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपको समझ में आता है इसको? क्या लगता है आपको? व्हाट डज इट इज ट्राइंग टू टेल यू? मेरे देखे एकदम से आंसर नहीं आता। आंसर जानने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो एक फ्लैश ऑफ लाइफ आपके लिए एक क्रिएट होगा कि आपको ये कार्ड जो है कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने टेंपल में एंटर करेंगे, टेंपल ऑफ गॉड विच इज इनसाइड ऑफ यू। तो ये विजन है एक वर्ल्ड का जिसमें कंप्लीशन है, सक्सेस है और फुलफिलमेंट है। और ये जो चार एलिमेंट जो आसपास हैं, दीज स्टैंड फॉर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। व्हाट आर दोज फोर प्रिंसिपल्स, जानना चाहेंगे आप? पहला प्रिंसिपल कि आप अपनी लाइफ में जिसको भी मिलते हैं, जो भी आपको लाइफ में मिलता है, इट वॉज मेंट टू हैपन, ही इज़ द राइट वन फॉर यू एंड इट वॉज नीडेड। और दूसरा प्रिंसिपल, वट एवर हैज हैपन्ड इट वॉज सपोज टू हैपन इन दैट वे ओनली। मतलब जो हुआ आपकी लाइफ में, पास्ट में या अभी भी जो हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू हैपन। थर्ड प्रिंसिपल, ईच मोमेंट वेन समथिंग न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ और एनी थिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज द राइट टाइम, that is the right time for it to start. And the fourth principle is, what is over is over. Jo khatam ho gaya hai, wo khatam ho gaya, uske saath don't cling to it and flow with life. So this is what the four principles of life is. I'll try to mention in my comments below, in the description. To card of the world jab bhi aapke paas aata hai, wo aapko ek to sign de raha hai ki there is something beautiful which is happening in your life. You have come to a completion. एक process जो आपकी life का चल रहा था वो complete हुआ है। और जब भी अगर मैं इसके गहरे meaning में जाऊँगा, card आपको ये बोलना चाह रहा है कि
लाइफ को अगर आप सिर्फ अपनी इस फिजिकल आईज से देखेंगे तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। लाइफ को अगर आप जो है अपने गहरे अपनी मेडिटेटिव आईज से देखेंगे, अपने भीतर से देखेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। सो द सेम थिंग्स व्हाट यू सी विद द फिजिकल आईज दे आर ऑल गोइंग टू चेंज, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसका गेस्टाल्ट चेंज हो जाएगा। तो कार्ड ऑफ द वर्ल्ड हमें इंस्पायर करता है टू बी मोर स्पिरिचुअल, टू हैव अ लविंग हैप्पी एंड डांसिंग लाइफ, टू हैव अ लाइफ ऑफ क्रिएटिविटी एंड फॉलो दोज फोर प्रिंसिपल्स विच आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू एंड टेक केयर ऑफ यू। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर द कार्ड द वर्ल्ड मेजर अरकाना। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। I will see you in my next one. Thank you.